बचपन में हम सभी ने ये मुहावरा पढ़ा है, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब डबल फायदा डबल मुनाफा। तो आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इसमें हम चीज़ों को रिसाइकलिंग करेंगे, रीयूज करेंगे, सेव मनी एंड सेव मदर नेचर की थीम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हमारा पहला आइडिया। सोसाइटी की चाय में मेरा ये डिब्बा आया था, तो डिब्बा तो टूट गया पर ये ढक्कन एज इट इज़ है, तो इसी में मैं ये वुडन क्लॉथ पिन चारों तरफ लगा दूंगी। इसके लिए आप ग्लूगन की मदद ले सकते हैं। देखिए, बातों बातों में ही एक सुंदर बास्केट बनकर हमारी तैयार हो गई। इसके रूप को और निखारने के लिए मैं इस पर ये फ्लावर चिपका दूंगी। ग्रॉसरी आइटम्स में बहुत सारे डब्बे हमारे घर में आ ही जाते हैं, तो खाली होने के बाद उन डिब्बों को कैसे मैं रीयूज करती हूँ, आइए देखते हैं। दीपावली पर या कुकीज़ आदि में इस तरीके के टिन के डिब्बे हमारे घर आ ही जाते हैं, तो इस तरीके के डिब्बों को आप स्नैक आइटम जैसे टोस्ट, बिस्किट आदि रखने में यूज़ ले सकती हैं। डाइनिंग टेबल पर रखे डिब्बे हमारे ड्राइंग रूम की शोभा को इन्हेंस करते हैं। इनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही ब्यूटीफुल लगते हैं। आसमान में चिड़िया की चहक और घर में बेटी की महक अनमोल है, तो इस ये वाले जो टिन का डब्बा है इसके अंदर मैं अपनी बेटी की हेयर एक्सेसरीज रखती हूँ, जिससे उसमें धूला नहीं आता। हेयर बैंड वगैरह भी इसमें आराम से फिट हो जाते हैं। बेरंग घर को भी खुशी से भर देती हैं ये बेटियाँ। अगर आपकी भी लाडली बेटी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाक की चूड़ियाँ थोड़ी नाजुक होती है, तो उन चूड़ियों को आप इस तरीके के टिन के डब्बों में रख सकती हैं, जिससे वो सेफ़ रहती है। सफ़र के दौरान तो मैं अपनी बैंगल्स इन्हीं में रख के ले जाती हूँ। रूठना तभी चाहिए जब कोई मनाने वाला हो, और घूमने तभी जाना चाहिए जब कोई पिज़्ज़ा खिलाने वाला हो। तो इस तरह की पिज़्ज़ा सीजनिंग की बॉटल जब खाली हो गई तो मैंने इसमें पीताम्बरी भर दी। इसी तरह मंजन की इस डिब्बी में मैंने नमक भर के अपने सिंक के पास ही रख लिया। पूजा के बर्तन, तांबे और पीतल के जो भी बर्तन होते हैं उन्हें साफ़ करने के लिए ये बहुत मेरे रोज काम आती हैं, इसलिए मैंने इन्हें अपने सिंक के पास ही रखा है। तो ऐसी छोटी छोटी डब्बियों को आप भी फेंकिए नहीं, उनको रीयूज़ कीजिए। आम के आम और गुठलियों के दाम। माउथ फ्रेश, मूड रिफ्रेश। टिक टैक की जब ये डिब्बी खाली हो जाती है तो इनमें मैं इलायची के दाने भर कर अपने पर्स में रख लेती हूँ। छोटी सी डिब्बी आप भी अपने पर्स में ज़रूर से रखिए। तो खाइए इलायची और कीजिए आप भी माउथ फ्रेश और मूड रिफ्रेश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं छोटी से बड़ी बॉटल की तरफ। पानी की ये पुरानी बॉटलें जब अब मेरे कुछ यूज़ में नहीं आती, तो इन बॉटलों का यूज़ मैं अपने फ्रीज़र में करती हूँ। इससे पूरी जगह का यूज़ भी हो जाता है और ये बॉटलें भी यूज़ में आ जाती हैं। मैं इनमें ड्राई फ्रूट्स, कॉर्नफ्लोर, कोकोनट पाउडर और आटा वगैरह जो होता है, जैसे मक्की का आटा, ज्वारी का आटा, वो इनके अंदर भर कर रखती हूँ। फ्रिज के अंदर भी मैं बच्चों के जो चिप्स आते हैं उनके जो पैकेट्स या इस तरीके के जो लंबे कंटेनर होते हैं उनका यूज़ करती हूँ। इससे जगह का तो पूरा यूटिलाइज होता ही है। इनके अंदर मैं सिवैयाँ, चीज़ स्लाइस, सॉस, चटनी के पाउचेस रख देती हूँ। इसी तरह ये जो तीन वाइट कंटेनर हैं इन्हें मैंने तेल की बॉटल से कट करके बनाया है। इनमें नींबू, मिर्ची और अदरक रखा करती हूँ। ये चीज़ें बार बार काम आती है, इसलिए मैं इन्हें ओपन ही रखती हूँ। इनो काम करे सिर्फ 6 सेकंड में, जियो लाइफ नॉन स्टॉप। इनो का इस्तेमाल सिर्फ सेहत को दुरुस्त रखने के लिए ही नहीं बल्कि बेकिंग और स्टीमिंग के लिए भी किया जाता है। तो धीरे धीरे करके देखिए मेरे पास कितनी सारी बॉटल्स इकट्ठी होती चली गई। ये कांच की है इसलिए मैं इनमें सूखे मसाले वगैरह रखा करती हूँ।
ये ग्रीन ढक्कन वाले डिब्बे मेरे बिस्किट्स के अंदर आए थे, तो इनके अंदर मैं अपनी ग्रॉसरी के सामान स्टोर करके रखती हूँ, जैसे राजमा, चना आदि। और ये वाले डिब्बे मुखवास में आए थे, तो इनके अंदर मैं जीरा, राई, सौंफ वगैरह रख लेती हूँ। और ये बड़े वाले डिब्बे घी के अंदर आए थे। एक्चुअली किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैडम आप तो खुद किसी चीज़ का यूज़ नहीं करती हैं और हमें सजेस्ट करती हैं, तो ऐसा नहीं है डियर, मैं भी चीज़ों को रीयूज़ करती हूँ। ड्रेसिंग टेबल पर हम ऑयल, क्रीम आदि रखते हैं, जिससे वहाँ पर एक चिपचिपी सी ऑयल की एक लेयर जम जाती है, जिसके कारण हमारा सरफेस ख़राब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए मैं मोबाइल के डिब्बे का यूज़ करती हूँ। इसी तरह हेयर टाई, पिन, क्लचर आदि को रखने के लिए भी मैं जिन डिब्बे का यूज़ करती हूँ वो शहद में आए थे, तो उन्हीं के वो मैंने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और उनको मैं रीयूज़ करती हूँ। थोड़े समय में ही बिंदियों का ग्लू खत्म हो जाता है और चिपकाते से ही वो उतर जाती है। इसके लिए मैं अपनी सारी बिंदियों को एयर टाइट डब्बे में रखती हूँ और ये डब्बा मेरे पीडियाश्योर में आया था। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से जब हम कुछ सामान ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके के कागज़ के डिब्बे हमारे घर में ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हीं के अंदर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स है, दीपक है, रंगोली है, पेंट है, पुराने कपड़े हैं, स्वेटर्स वगैरह हैं आदि को रखने में यूज़ करती हूँ। ये डिब्बा मेरी मिक्सी में आया था, इसमें मैं बेड शीट्स, पिलो कवर और डेली काम में आने वाली चीज़ें रखती हूँ। मिल्क पाउडर के इस डब्बे में मैं एक्स्ट्रा पेस्ट, ब्रशेस वगैरह जो होती है वो रखती हूँ। इसी तरह केक और कुकीज़ के डिब्बों में मैं एक्स्ट्रा स्क्रब और निको जर्म क्लीनर, वाइपर आदि रखा करती हूँ। मैंने अपने पूरे घर में जगह जगह इन डिब्बों का यूज़ करके सभी सामानों के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाया हुआ है, जिससे सभी सामान ऑर्गेनाइज रहते हैं, चीज़ें घूमती नहीं हैं और कॉस्ट भी 0 रुपीज़, और घर कहता है हमेशा आइए आपका स्वागत है। इसी तरह बिरयानी जिस हांडी में आती है उसे भी मैंने छोड़ा नहीं है, उसे थोड़ा सा डेकोरेट करके तुलसी जी का ये पौधा लगा दिया है और एक हांडी को मैंने यहाँ अपने एंट्रेंस पे रखा हुआ है। तो इस तरह आप भी चीज़ों को रीयूज़ कीजिए, सेव मनी एंड सेव मदर नेचर। और अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने बच्चों के रूम में। बच्चों के क्राफ्ट आइटम्स, स्केच पेंस, पेंसिल कलर्स, क्रियोन्स, वाटर कलर्स, टॉयज, हाइलाइटर्स, परमानेंट मार्कर्स, सीजर्स, मेडिसिन, डेकोरेशन के सामान, चौक, सभी तरह की स्टेशनरी, पिंस, चार्जर्स, वायर, और देखिए इन ढेर सारी चीज़ों को मैंने घड़ी, मिठाइयाँ और फ्रूट्स, केक, कुकीज़ आदि में जो डिब्बे आते हैं उन्हीं में रख कर अरेंज किया है। तो आप भी अपनी सभी चीज़ों के लिए एक घर बनाइए, काम में लेने के बाद उन्हीं डिब्बों का इस्तेमाल कीजिए। आम के आम और गुठलियों के दाम, मेरा ये थीम वाला आज का ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए सुन रिसकी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमेन। थैंक यू।